अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और बढ़ती है जब परिजनों को एक अज्ञात नंबर से 10 लाख की फिरौती के लिए कॉल आता है, ये अत्यधिक संवेदनशील और गंभीर प्रकरण था। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी था कि दीपावली का पर्व होने से हमारा मैक्सिमम फोर्स बंदोबस्त व्यवस्था में लगा हुआ था। साथ ही जो हमारे सूचना देने वाले जो जिम्मेदार मुखिल सूचना तंत्र के लोग होते हैं, वे भी दीपावली पर्व के कारण अपने अपने परिजनों के साथ व्यस्त थे। ऐसी स्थिति में एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में चार अलग अलग टीम गठित की गई थी, जिसमें हमारे टोंकपुर थाना का स्टाफ भी था, थाना प्रभारी आलोक सोनी, और इसी के साथ पीपल रावा जो नजदीक का थाना है उनकी भी टीमें गठित की गई। दोनों थानों की हमारी कुल तीन चौकियां हैं, तीनों चौकियों का स्टाफ भी रवाना हुई। इन सभी को मिला के कुल चार पृथक पृथक टीमें संलग्न हुई। आसपास गहन छानबीन की गई, मुखबिरों से लगातार बातचीत की जा रही थी, तकनीकी साक्ष्यों का लगातार अध्ययन किया जा रहा था। जिस अज्ञात नंबर से कॉल आया था उनकी सारी जानकारी जुटाई जा रही थी। क्योंकि 4 वर्षीय बालक का अपहरण हुआ था और उसी के साथ 10 लाख की फिरौती की मांग भी त्योहार के दिन परिजनों से की गई, उक्त संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नवागत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय उज्जैन जोन श्री उमेश जोगा सर के द्वारा भी लगातार देर रात तक उक्त प्रकरण की मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस के अथक प्रयासों से और हमारी टीम की सकारात्मक अप्रोच से हम संदिग्ध को आइडेंटिफाई करने में सफल हुए। देर रात घटना के मात्र 2 से 2.5 घंटे के भीतर हमने आरोपी धर्मेंद्र सिंह राजपूत को कुमारिया बनवीर जो कि थाना पिपलवाड़ा पिपल रावा थाना क्षेत्र में आता है वहां से गिरफ्तार किया। उसका साथ देने वाला एक नीलेश पिता राजेश झंगर जाति कंजर, इसे भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। दोनों से सघन पूछताछ हुई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 4 वर्षीय बालक का फिरौती के लिए अपहरण करना कबूल किया और उन्होंने एक और व्यक्ति दयाराम कंजर के घर पर बच्चे को रखना बताया गया, जिस पर एक सेपरेट टीम हमने रवाना की और करीब रात को 2:30 बजे हमने बच्चे को सकुशल दयाराम कंजर के घर से बरामद किया। बच्चा सकुशल है और बच्चे को अपने परिजनों के साथ लौटाया गया। इस प्रकार 9:30 बजे 4 वर्षीय बालक के 10 लाख की फिरौती के लिए अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल टीम गठित करते हुए मात्र करीब 5 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 4 वर्षीय बालक को सकुशल दस्तियाब कर परिजनों को लौटाया गया। उक्त पूरी कार्यवाही में हमारे दोनों थाना प्रभारी टोंक थाना टोंकपुर थाना और पिपल रावा थाना, हमारी तीनों चौकियां, हमारी SDO की सोनकच और हमारे एडिशनल SP श्री जयवीर भदौरिया का बेहद सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य रहा है। इस पर हमारे ADG महोदय श्री उमेश जोगा सर के द्वारा संपूर्ण देवास पुलिस को शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। साथ ही इन्होंने अच्छा कार्य किया, उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। देखिए अभी जो इनके पूरा आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए तो नीलेश कंजर के कुल 6 अपराध निकले हैं, जिनमें एक 307 का अपराध 2019 का भी है। जाहिर सी बात है आपराधिक रिकॉर्ड क्या था इसमें उनका प्रयास।